ढाई uh, साल पहले मैंने एक फिल्म की थी इट्स अबाउट टू एंड हाफ ईयर्स बैक जो शाहिद की पहली फिल्म थी इश्क विश्क और दैट वाज माय लास्ट फिल्म एज अ कोरियोग्राफर मैंने कोरियोग्राफी छोड़ी नहीं थी मैंने एक फिल्म बनाई अपनी आई डायरेक्टेड वन फिल्म तो दैट टुक अ लॉड ऑफ टाइम इन माई लाइफ एंड देन सैमेंटेनियसली मुझे काफ़ी ऑफर्स आते गए एज अ कोरियोग्राफर बट नथिंग रियली एक्साइटेड मी इट्स नॉट दैट के एवरीबडी ओर डूइंग बैड जॉब इट्स जस्ट दैट आई फेल्ट के आई शुड डू समथिंग जो again will be something kind of a benchmark or something which will really create some kind of a little bit impact so now uh, salam namaste came my way and uh, siddharth is a very good friend adi is a very good friend and uh, siddharth called me and he said Emma should we do it i said siddharth you work on it we'll, we'll see how it goes so when he told me the film is about its whole film is in australia and it's about a living relationship and there are no those kind of real songs which will uh, which will make which will ha which already has a place you have to make place for the songs. So I said yeah it sounds quite interesting and in which uh, Preeti is uh, playing uh, 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 an RJ and Saif is playing a chef. So very different characters and it would be so nice to get them together they all the time fight and how to have them together and so this kind of things really excited me for and I really felt for the songs So I said I mean, वाई नॉट जब तक मेरी दूसरी फिल्म चालू होती है आई रा डू दिस फिल्म एंड वी एन टू ऑस्ट्रेलिया एंड वी जस्ट रैप द फिल्म ऑफ अबउट आई फिनिश माई सॉन्ग सो फास्ट एंड दे फिनिश द फिल्म इन अबाउट फोर थ्री फोर मंथ एंड डेट वॉज अ फन मैंने मेरी वाइफ का बर्थडे था कपल ऑफ डेज बैक एंड मेरे फ्रेंड का एक लाउंज है बेड लाउज बैंड्रा में सो वी हैड जस्ट टेकन अर गिवेनर अरप्राइज नॉट बुक द प्लेस तो जब हम लोग अंदर गए तो द डी जे सुतु दे जस्ट अनाउंस अहमद खान ऑन द हाउस इंड वाइफ बर्थडे और उन्होंने गाना बजाया सलाम नमस्ते मैनी प्लेट सलाम नमस्ते आई वॉज शॉकड के द एंटायर क्राउड वॉज डूइंग दिस एंड देन उन्होंने मुझे सी पे खड़ा कर दिया और मुझे कहा कि एग्जैक्ट मूवमेंट दिखाओ तो आई शो डन द राइट मूव एंड आई कुडन बिलीव के एक एक इंसान खड़ा है चाहे वेटर हो या जो भी हो एवरी बॉडी द बार्ट एंड एवरी बडी वूइंग दिस सो आई वॉज लाइक क्वाइट हैप्पी मोर देन हैप्पी एंड वेरी आई वॉज वेरी अशीव्ड कि आई एम स्टैंडिंग एंड डूइंग द मूव एंड एवरी बडी इज डूंग इट बेटर देन मी सो आई मीन आई डिट नो कि इतना इसका इट्स कॉट सो मच एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट अ आउट गोइंग पर्सन मैं ज़्यादा बाहर जाता नहीं हूँ कुछ पार्टीज नहीं करता हूँ सो आई डोट नो क्या है एंड वे नो यू कॉल समी नॉट इन आई एम कॉलिंग एनी बडी तो रिंग अ बैक रिंग बैक टून सलाम नमस्ते सो दैट मेड मी बिलीव के चलो माई डिसीशन ऑफ डूइंग अ फिल्म आफ्टर टू एंड हाफ ईयर्स वॉज एंट ब्रिलियंट बट इट वॉज एंट रॉन्ग दो सो आई वॉज क्वाइट हैप्पी अबॉउट इट के चलो एटलीस्ट समथिंग वैंड राइट बिकॉज एक हीरो के लिए बहुत ईजी होता है कि मैं स्क्रिप्ट सुनता हूँ फिर एक साल में एक फिल्म करूँगा या दो साल में एक फिल्म करूँगा बट एज अ टेक्नीशियन नो बडी डिस कांड ऑफ अ डिसीशन कि नहीं 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 करते करते एंड देन देस येस टू अ फिल्म आफ्टर ईयर्स तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ टेक्नीशियन टू डू दैट एंड मैंने वो किया हूँ एंड uh, काफी हद हाँ तक आई एव बीन सक्सेसफुल इन दिस डिसीशन बट आई विल नॉटेन आमिर खान टेक्निशियंस का आमिर खान जो चार साल से चार साल में एक फिल्म करे आई विल नॉट बेबुल्स आई फिन नाउ एजोग्राफर एंड नाउ स्टॉप्स एनी फिल्म तो दे बी अ गैप ऑफ अबाउट वन इयर एटलीस्ट मोट एक हुआ एक करें, ना करें, या सिद्धार्थ जैसे, जैसे ने जब मुझे फ़ोन किया तो इट uh, केम वाया वाया मेरे नंबर्स बहुत चेंज होते रहते है, हैं तो संजय गढ़वी धूम का डायरेक्टर उसके पास मेरा नंबर था तो उसने सिद्धार्थ को दिया और पहले संजय गढ़वी ने फ़ोन किया कि सिद्धार्थ फ़ोन करेगा एंड देन सिद्धार्थ कॉल्ड मी सो बाय दैट टाइम मैं खुद भी एक ऐसे पोजीशन पे था कि ऐसे यार बहुत टाइम हो गया मैंने कुछ शूटिंग नहीं की है दो डेढ़ साल हो गए मैं घर पर बैठा हुआ एंड आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क मेरे बच्चा बड़ा हो रहा है ना आई वॉज एंजॉइंग विथ हिम सो सिद्धार्थ का फोन वो टाइम पे आया एंड सिद्धार्थ इज आई जस्ट नॉट से आई शो नॉट से ही इज माई फ्रेंड दो मोर देन अ फ्रेंड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट वो जब मैंने मुझसे दोस्ती किए मुझसे दोस्ती करोगे की थी फिल्म कुणाल के साथ तो उस टाइम पर ही वॉज अ चीफ एसोसिएट एंड हम तुम के नाम भी मुझे पता है स्टोरी में कि ही वॉज़ हंड्रेड परसेंट इन्वॉल्व इन द फिल्म मेकिंग ऑफ़ द फिल्म तो जहाँ तक कि मुझे पता था कि ही विल कम आउट इज समिंग गुड ही इज़ वेरी यंग एनर्जेटिक यूथ बहुत है उसमें और इज़ वेरी इनोवेटिव विथ आइडियाज़ और एक टाइम पे इतने आइडियाज़ देता दे था, था मुझे चिड़ होती थी उसमें कि आज सीधा तुझे जो फॉर अवाइल गिव टू मनी आइडियाज़ बट देन आई रियलाइज के वैन एज एन असिस्िस्टेंट ही इज टू गिव सो मनी आइडियाज जब खुद की पिक्चर होगी तो वट विल यू डू और उसने मुझे फ़ोन पे एक आइडिया दिया उसका सीधा लेस मीटिया और हम लोग मिले मैंने स्टाकास भी नहीं पूछा था कि उस टाइम स्टाकास क्या था हम लोग मिले उसने पूरा आइडिया बताया फिर गाने सुने उसके बाद उसने बताया कि किन सैफ एंड प्रीति तो आई सर दिस इज़ एप्ट फॉर बोथ ऑफ देम एंड देन गाने सुनने के बाद तो आई वेंट वॉन्कर्स विशाल शेखर हैुड म्यूजिक आई मीन सो इट वॉज इट वॉज एन टू हेस्टी डिसीजन बट इट्स एट द सेम टाइम आई डेंट ऑफ टाइम ऑल्सो टू थ्री टॉक्स कैन वी वो डन विथ इट से भी आपने विशाल शेखर जहाँ तक मुझे, था था था? विशाल मुझे पता है उनकी पहली फिल्म थी वो मुसू मुसू हाँसी देरप्टेड नेपाली सॉन्ग एंड बहुत अच्छी तरह अडेप्ट करके उन्होंने कमर्शियल किया था उस गाने को एंड काफ़ी लोगों को गाना पसंद आया दो इट वॉज इन बिग फिल्माकाश वॉज अन नोन उस फिल्म का क्या हुआ किसे पता नहीं बट वो म्यूजिक वो गाना सबको याद है अभी भी दैट्स एन अचीवमेंट सेकेंडली आजकल जो वो कर रहे हैं दे आर डूइंग एक्शन फिल्म एक्शन फिल्म में भी उनका गाना आउट किया था दे आर डूइंग ऑफ बीट काइंड ऑफ फिल्म लाइक मुसाफिर और समथिंग उस पर भी उनका गाना आउट किया था एंड दे आर डूइंग अ फ़िल्म लाइक सलाम नमस्ते रोमांटिक हैप्पी गोला की यंग यूथ फिल्म उस पर भी उनका गाना आउट किया था तो ये दिखता है कि के उनमें केपेबिलिटी uh, है टैलेंट है एंड मोर ओवर दे आर वेरी ऑनेस्ट टू द जॉब आई फील हंड्रेड परसेंट हर गाने में हंड्रेड परसेंट ऐसे नहीं कि कुछ म्यूज़िक पीस लैकिंग होती है या अंतरा स्टैजा या वर्स में कुछ ना कुछ देर समथिंग शेक इ नो नो दे टू द पॉइंट आई होप एंड प्रे दे स्टे लाइक दिस बिकॉज ज़्यादातर म्यूजिक राइटर्स हिल जाते हैं आफ्टर टू थ्री ईयर्स एंड देन सब बर्डन आता है कोरियोग्राफर्स पे तो फिर हम कोरियोग्राफर्स गाली देना शुरू करते हैं कि यार ये क्या दे दिया ये क्या कर दिया बट टिल नाउ दे आर कंसिस्टेंट एंड आई होप एंड आई प्रे एंड विश एम ऑल द लक एंड द ब्रेन टू सस्टेन इट एंड आई थिंक दे विल